झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने खरसावां शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों की शहादत, झारखंड राज्य के निर्माण में योगदान, इसको भुलाया नहीं जा सकता। खरसावां का यह पवित्र शहीद स्थल आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को नमन करते हुए वेदी पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टुडे इज मॉडर्न झारखंड स्टेट। दिस हिस्ट्री रिमाइंड्स अस The life sacrifice of the people for a good cause will never go unheeded. Today we got the Jharkhand state that has been carved out from the erstwhile Bihar because of our great Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. For all these things, the great struggle the Swan people have made under the Jaipal Munda ji's leadership those time. ये स्थान वास्तविक रूप से हम सबको ऊर्जान्वित करते हुए इस बात के लिए प्रशस्त करता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। 1 जनवरी का जो यह लंबा सफ़र है, अब एक स्वरूप के रूप में लोगों का विश्वास का केंद्र, आस्था का केंद्र बनते हुए दूर दराज से लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं और यह यात्रा खास तौर से 1995 से इस स्थान की गरिमापूर्ण इतिहास को बरकरार रखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, आप सभी जानते हैं यहाँ हाट बाज़ार लगता था, कई तरह के झंझावतों से इस स्थान को बचाते हुए हाट बाज़ार को यहाँ से हटाया गया ताकि इस केंद्र की, इस स्थान की